उन्होंने क्यों कहा है, देखें दो फैक्टर हैं, ये जो अकमल बरादरान जो है ना, मुझे इनकी क्रिकेटिंग सेंस की बिल्कुल समझ नहीं आती, दूसरा कजन जेलेसी हो सकती है जो कि है थोड़ी सी, देखो जो भी है ना, बाबर की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की, तीसरा कि बोंगी मारी है आपने, कि जी आपने कहा कि पाकिस्तान टीम हार जाए चारों मैच और हक में बेहतर है कि वापस आ जाए, और मजेदार मैं आपको बात बताऊं, इन द गेम जो अंदर चल रहा है, जब सिचुएशन हम सबको न्यूज मिल रही है ना कि कैंप में क्या चल रहा है, लड़ाइया हो रही है, फड्डे हो रहे हैं, कैप्टन चेंज होने का हो रहा है, जो भी हो रहा है, बिल्कुल मैं आपको बताऊं पीछे लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं अपना कैप्टन लाने की, हर क्रिकेटर लगा अपने लॉबी स्ट्रॉन्ग है हर किसी की, आप मुझे बताएं शायद अफरीदी से स्ट्रॉन्ग लॉबी किसी की नहीं है, शायद अफरीदी इस टाइम फुल जुड़ा हुआ है, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ मन साहब कि वो फुल जुड़ा हुआ है कैप्टन बनाने के लिए अपने दमाद जी को, क्योंकि ही इज उनकी मीटिंग चल रही हो, पुराना दिखा रहे थे उनकी, हो सकता है मीटिंग अभी चल रही हो सकता है खत्म हो गई हो, बहरहाल सरफराज को पीसीबी चेयरमैन ने बुलाया था, और कल आकिब जावेद मिले इनसे, मोहम्मद यूसुफ मिले इनसे, और ये पुराने प्लेयर से मिल रहे हैं, ये उनकी राय भी लेना चाह रहे हैं, तो पीसीबी के एक तो अपने हालात थोड़े अच्छे नहीं है, पता ही नहीं है कमेटी को या मेंबर्स को कि हम हैं टेन्योर में या नहीं रहेंगे, और जो आप बात कर रहे हैं तो वो मामला इसी तरफ जा रहा है कि ये बनाना चाह रहे हैं शाहीन को, लेकिन शाहीन ऑल फॉर्मेट कैप्टन, अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू अर्ली टू, तो ये बनाएंगे टेस्ट का आई थिंक सरफराज को, T20 का ये बनाएंगे या शाहीन को या रिजवान को, रिजवान अच्छा कंटेंडर है, और सॉरी वनडे का ये बनाएंगे बाबर को ही, T20 की बाबर को दे देंगे कप्तानी, क्योंकि बाबर की T20 में परफॉर्मेंस बुरी थी, तो मुझे लगता है टेस्ट में आएगा सरफराज, T20 में रहेगा बाबर, और आपके जो वनडेज हैं इसमें वो शायद रिजवान को कप्तानी दे दें, स्ट्रांग लॉबी चल रही है ना, बाबर आजम किसी फॉर्मेट में कैप्टन ही रहने वाला, चलो जी आपने लॉबी की बात की है तो फिर अब हम डिस्कस कर ही लेते हैं स्टेज में, क्योंकि कहीं बाबर आजम को किसी जगह इन्होंने कैप्टन नहीं रहने देना, T20 में शायद शाहीन अफरीदी आएंगे, ठीक है, वनडे और टेस्ट में इन्होंने सरफराज को लेकर आना, मुझे बात है जो कि मुझे भी उस बंदे की जगह ही नहीं बनती, आप यार 37 साल 38 साल का एक बंदा है, ठीक है कायदे ने ट्रॉफी जीत गया, गुड यार बहुत अच्छी बात है, आप उसको कैप्टनसी दे रहे हैं, प्लानिंग क्या आपकी, आपने अगला वर्ल्ड कप खेलना वो 42 साल का होगा, आप उस बंदे को कैप्टनसी दे यार, कैप्टनसी कर सकते हो, मैं इसी सोच से कह रहा हूँ कि सेंस कॉमन सेंस नहीं बनती, बहुत बचकाना हरकत होगी अगर सरफराज को वनडे का कैप्टन बना दिया, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, 2 साल 3 साल क्रिकेट उसकी बची होगी, विकेट कीपर है, अगर कितना भी फिट हो जाएगा अगले साल के वर्ल्ड कप तक वो नहीं खेल सकता, तो उसको T20 और में रखने का फायदा नहीं है, हाँ टेस्ट में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, गुड विकेट कीपर, सरफराज की जो एक अच्छी चीज लगती है ना, हम कोई खिलाफ नहीं है उनके भाई सरफराज के, एज अ बैट्समैन बहुत अच्छा बैट्समैन है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, इंडिया को जो जवाब दिए, क्या बात है सैफी भाई आपकी, लेकिन और कप्तानी बहुत अच्छी करते हैं, मतलब दिमाग वो बड़े लोगों को उस टाइम में फोटो वायरल हुई थी, वो जो यॉन कर रहे थे, वो जो मास्कियां दे रहे थे, लोगों ने कहा ये देखें सुस्त है, लेकिन वो दिमाग से कप्तानी करता था, बाबर ने कप्तानी में काफी लोगों को मौके दे दिया बातें करने के, बाबर की कप्तानी ठीक नहीं थी, चाहे वो बॉलर चेंजिंग हो, मोहम्मद उस दिन मिसबाह उल हक ने बड़ा रखड़ा है, उसने कहा आप पावर प्ले के अंदर हर स्लोफ को बॉलिंग कराने के लिए ले हैं, बिल्कुल ऐसे आप क्यों लेके हैं जब आपको पता है हारिस एक्सपेंसिव है, फिर आप फील्ड प्लेसिंग गलत करते हैं, फिर आप बॉलिंग चेंजेस गलत करते हैं, तो सरफराज अगर होता सरफराज की बड़ी प्रोएक्टिव कैप्टनशिप है, सरफराज बता रहा होता है कि ऐसे करना है, लेकिन मतलब सिर्फ कैप्टनशिप पे आपको टीम में ही लेके जा सकते हैं ना, अच्छा पाकिस्तान में दुनिया के क्रिकेट में क्या होता है, प्लेयर आता है खेलता है चलता है फिर कप्तान बनता है, पाकिस्तान के कप्तान नहीं चलता, पाकिस्तान बाहर से कोई प्लेयर उठा के उसको डायरेक्ट कप्तान बना देता है, नॉर्मल प्लेइंग 11 में उसकी जगह नहीं बन रही होती, हम उसको स्पेशल प्रोसेस से नहीं गुजरता, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रगल करता है लेग स्पिन लेफ्ट आर्म स्पिनर के, 21-22 में ओवर में उन्होंने लेग स्पिनर डाल दिया, तब्रेज शमसी डाल दिया, चाहे हमारा मसला सिर्फ 11 मुझे उससे याद नहीं आ रहा, मैंने उस दिन किसी का तजिया सुना है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान पे कोई बोलता है, मैं आपको बताऊंगा जब याद आएगा, कैप्टन उन्होंने तब्रेज शमसी आएगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि साउथ अफ्रीका को पता है पाकिस्तान स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है, इफ्तिखार स्पेशली बहुत स्ट्रगल करता है, और आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका और किसी मैच में तब्रेज शमसी को खिलाए ना खिलाए पाकिस्तान के खिलाफ जरूर खेलेगा, और आज जब टीम अनाउंस हुई और बबूमा आए, उन्होंने टीम टॉस पे अपनी बताई, तो उन्होंने फौरन तब्रेज शमसी का नाम लिया, उन्होंने चेन्नई भी है, चेन्नई में स्पिनर की जरूरत है तो उन्होंने खिलाया, इफेक्टिव होगा, मैं कैप्टनसी की दोबारा आता हूं, वापस आता हूं कैप्टनसी पे, आई थिंक डॉक्टर नुमान न्याज ने बात की, डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप देखिएगा कि ये तैयारी के साथ आएंगे, शमसी को जरूर खिलाएंगे, मैं कैप्टनसी पे दोबारा आता हूं कि आप कैप्टनसी पे सिर्फ नहीं खेल सकते, आप इंडिया को देखिए, इंडिया ने इस टाइम अपने दो कैप्टन रेडी किए हुए हैं, रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप के बाद चले जाएंगे,
ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली 6 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, साल बाद उनका अगला कैप्टन पांड्या और अगला कैप्टन गेल, ये रेडी बैठे हैं। गेल तो उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है ना, 4 साल बाद वो बनेगा जब हार्दिक जाएगा, हार्दिक पांड्या उनका कैप्टन रेडी खड़ा है। ठीक है, तो सोचे वो कैप्टन बनाते हैं। ग्रैम्स में जब कैप्टन बना था ही वॉज 22, साउथ अफ्रीका कैप्टन बना था और ही वॉज द लॉन्गेस्ट कैप्टन फॉर द फॉर्मेट टेस्ट का जो रहा है। तो आप कैप्टन बनाते हो, ये नहीं होता कि भाई उठा के लगा देते हो 40 साल में। आप जो जो छक्के मारा चौके मारा कप्तान बना नहीं, आप 38-39 ईयर ओल्ड का आप कैप्टन ले आए हो तो आप क्या फ्यूचर क्या देख रहे हो? क्या आपकी ये बात बड़ी अच्छी, मैंने पिक नहीं किया था कि ये, बल्कि आपने भी इस्तेमाल किया था कि सरफराज जो है उसकी उम्र कितनी है, उसको कप्तान आप बना रहे हो, सोच रहे हो? सरफराज यंगर, सरफराज भी अंडर 19 स्ट्रक्चर से खेल के ऊपर है। सरफराज उस टीम का हिस्सा था जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, जिसमें 104 का टारगेट था इंडिया से, कोलंबो पाकिस्तानी अंडर 19 वर्ल्ड कप था, वो कोलंबो में हुआ था अंडर 19 का वर्ल्ड कप, इतनी इतनी गेम्स में जिसमें हुई थी, सब आपको याद होगा। अनवर अली ने विकेट, अनवर अली था, पाकिस्तान के और भी कुछ प्लेयर थे उसमें, सरफराज खेल रहे थे, अनवर अली खेल रहे थे उसमें, ये 2006 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप था, बहुत बड़ा वर्ल्ड कप था, इसमें रोहित शर्मा खेल रहे थे, रोहित शर्मा खेल रहे थे, ठीक है, इसके अंदर गौतम गंभीर, पुजारा खेल रहे थे, हाँ, तो ये पुजारा था, अच्छी टीम थी, रोहित शर्मा खेल रहे थे। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि सरफराज स्ट्रक्चर से हैं, लेकिन ये आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बात आप लोगों को बताने के लिए कि ग्राम स्मिथ की एग्जांपल ले लें, इंडिया की एग्जांपल ले लें, किस तरह वो अपने नए कैप्टन को रेडी करते हैं, किस तरह वो उन पर टाइम स्पेंड, पाकिस्तान क्या करता है, चलते टूर्नामेंट में कैप्टन नहीं चला, वापस आएगी कैप्टन सैक और बाहर से उठा के एक बंदा नया लगा देंगे। बिल्कुल, अब शान मसूद का भी नाम आ रहे हैं, लग गया कि शायद उसको भी, शान मसूद से भी बातें चल रही हैं। मेरी आप दोनों का मैं राय ले लेता हूं इस पे, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ओडीआईज में और टेस्ट में यस वी नीड शान मसूद, आपने वर्ल्ड कप देखी है, कोई खड़ा होने वाला नहीं। शान मसूद आज से 5 साल पहले का कैप्टन था आपका, वो तब के लिए बेचारा थोड़ा सा वो वीक था उस वजह से, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, कराची जो लॉबी है ना वो बहुत पुश करती है, और शान मसूद के क्योंकि वालिद साहब का ताल्लुक भी एक बैंक के हेड रह चुके हैं, कंट्री प्रेसिडेंट थे, तो अलाइड बैंक है बेसिकली, आई थिंक किसी यूबीएल, यूबीएल सॉरी, यूबीएल यूबीएल डिपार्टमेंट में थे, और हां, और शान मसूद को उनकी वजह से भी काफी सुनना पड़ता है, जिस तरह इमाम को सुननी पड़ती है इंजमाम की वजह से। देखिए क्या किया इन्होंने, बीच में खड़ा हो गया था बाबर आजम एंड बहुत स्लॉपी हो गया था, लेकिन चले आ गया था, सेफ था, आगे पहुंच गया है, रन आउट का खतरा नहीं है। तो शान मसूद को तो आज से 6 साल पहले कैप्टन बन जाना चाहिए था, वो टीम में बेचारे को जगह नहीं मिल रही थी, उसको टीम में जगह भी नहीं मिल रही थी। अच्छा, अब कंट्रोवर्सीज पे आ जाते हैं थोड़ा। पीसीबी ने जी चलते टूर्नामेंट्स में प्रेस रिलीजें जारी करने का एक फैशन जो है वो अपना लिया है, और अब कुछ हो पीसीबी की प्रेस रिलीज आ जाती है। कल आई ऐसी ही एक प्रेस रिलीज जिसमें कहा गया कि क्रिकेट फ्रेटर्निटी और फैंस जो है ये टीम को सपोर्ट करें। पीसीबी की प्रेस रिलीज क्या थी जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी हम मानते हैं आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, और सारे पाकिस्तान की ये हालत है, लेकिन आउट तो नहीं हुआ, नहीं, अभी 4 मैच पड़े हैं, तो पाकिस्तान 4 मैच जीत सकता है और सेमीफाइनल में जा सकता है, तो आप काइंडली प्लेयर्स और क्रिकेट फैंस और क्रिकेट फ्रेटर्निटी के जितने भी लोग हैं आप उसको, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। ये रिलीज करने की देर थी, प्रेस रिलीज जारी करने की देर थी, ट्विटर पे इतनी लोगों ने इनका बैंड बजाया जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छा शॉट, वेरी नाइस बाबर, ब्रेव बैटिंग कर रहे। अच्छा, तो हुआ ये कि पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी की, ट्विटर पे लोगों ने ऐसे आड़े हाथों लिया, लोगों ने ऐसा इनका बैंड बजाया, लोगों ने कहा आप चलते टूर्नामेंट में प्रेस रिलीज क्यों कर रहे हैं। प्रेस रिलीज में एक और की पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में, एक लाइन थी कि कैप्टन बाबर आजम एंड चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक वाज गिवन फुल अथॉरिटी एंड फ्रीडम टू सेलेक्ट दिस वर्ल्ड कप स्क्वाड। मसला यह है कि पीसीबी चेयरमैन ने और पीसीबी ने अपनी जान छुड़ा ली है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये चौधरी साहब भी आएंगे, वो आपको भी बताएंगी, उनसे भी मैं कल डिस्कस करता। पीसीबी ने बेसिकली कहा है कि हमने कप्तान और चेयरमैन को कहा था टीम सेलेक्ट करने के लिए, सारी उसकी जिम्मेदारी है, अब जो टीम सेलेक्ट हुई है और जो परफॉर्मेंस है वो उनका मसला है, उसमें बोर्ड नहीं है, हम तो अभी आए हैं। तो एक तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके इसकी जो कमेंट्स हैं अगर आप उसमें जाएं, इसको लोगों ने रीपोस्ट किया हुआ है और बड़े मज़े में देखिए रीपोस्ट हैं। क्रिक इन्फो पे एक राइट पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दानियाल, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा ये जो प्रेस रिलीज है दिस इज़ मोर एम्बेरसिंग देन एनी ऑफ पाकिस्तान्स परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में किसी भी परफॉर्मेंस से ज़्यादा ख़राब ये आपकी प्रेस रिलीज है। एक और बंदे ने लिखा वर्स्ट एवर, उसने अपील कर दी। एक और बंदे ने लिखा कि ये प्रेस रिलीज ये बड़ी एम्बैरेसमेंट थी, इससे अच्छा, इससे गंदी टाइमिंग नहीं हो सकती थी। फिर एक और खातून ने लिखा
कि आपने इंग्लैंड की टीम को देखा वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, आपने उनकी प्रेस रिलीज देखी है, आपने कोई इंग्लिश मीडिया पे या ब्रिटिश मीडिया पे कोई प्रेस रिलीज देखी ऐसी इस किस्म की जिसमें उन्होंने कहा हो कि प्लेयर्स को सपोर्ट करें या प्लेयर्स को तनकीद किया हो, तो दिस इज ओनली इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी चीज़ें होती हैं, इंडिया ने भी कोई नहीं की, ये सिर्फ हम हैं जिन्होंने चलते टूर्नामेंट्स में प्रेस रिलीजेस जारी करना शुरू कर दिया है। ये बताता है ना बेसिकली आपका बोर्ड जो है कितना वो मतलब के उन लोगों के बारे में जो सरफराज वाली बात बता दी है। अब आप देखेंगे बाबर वहाँ खेल रहा है, खबर तो बाबर तक भी पहुंच गई होगी कि सरफराज की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात हो रही है, इसका मतलब है बाबर को पता है कि मुझे कप्तानी से हटा रहे हैं। एक और प्रेशर उसके पास, और ये उसके पास जो एक और डिस्टरबेंस उसके लिए, एक आगे टीम प्रेशर में आप उस पर एडिड प्रेशर डाल रहे हैं कि उसको पता चल गया होगा कि मैं अब कप्तान नहीं हूँ, ये तो सरफराज चेयरमैन से मिल रहा है, इसका मतलब है एक फॉर्मेट की तो कप्तानी गई। तो ये चीजें सबर कर लेते हैं आप, कल इंग्लैंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई, उनको भी प्लेयर से यही कहा ये जो मामला था ना पीसीबी को चाहिए टूर्नामेंट के बाद या टूर्नामेंट से पहले, बिल्कुल प्लेयर्स टूर्नामेंट से पहले इसीलिए आई थिंक साइन करवा के चले गए थे, उनको पता था पीसीबी ने बाद में रहना है नहीं, बिल्कुल वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या होगा, तो प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, उन्होंने कहा हम तो साइन, तो प्लेयर्स आई थिंक ज्यादा स्मार्ट थे, स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए पीसीबी को खुद भी, और पीसीबी की मीडिया का ये इतना बड़ा ब्लंडर है, आप लोगों को लोग बता रहे हैं कि भाई आप ये ना रिलीजेस करें, आप मुझे छोड़ें, हम तीनों को छोड़ें, आप ट्विटर पे चले जाएं और आप पीसीबी प्रेस रिलीज सर्च करने जाके आपको ऐसी ऐसी स्टोरियां नजर आएंगी, पुराने क्रिकेटर्स क्रिकेट फैंस जो कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला जो है ना पाकिस्तान के वो तो चलते रहते हैं, खैर टीम की परफॉर्मेंस और आगे आती है। बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट थी, देखिए पीसीबी जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं कौन है ये चला रहे हैं, कोई माजा गामा चला रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कोई पता नहीं कोई स्टेटमेंट, आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो मिड वर्ल्ड कप में और आपकी टीम स्ट्रगल ऑलरेडी कर रही है, आप ये दे रहे हो, आप ये बेसिकली स्टेटमेंट दे रहे हो, दुनिया को बता रहे हो कि भाईजान आप यू आर सेविंग योर फेस, बोर्ड अपना फेस सेव कर रहा है, भाई जी फेस सेविंग के भाई हम नहीं रिस्पॉन्सिबल, ये इन्होंने की थी, ये इसलिए की गई है क्योंकि हमारे जो चेयरमैन है उसको अपनी कुर्सी खतरे में पड़ गई है ना, तो ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन मिड वर्ल्ड कप में आपकी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, बीच में आप सफर करके आ रहा आपको ऐसी न्यूज़ देते वो गाड़ी तेज चला के परेशान परेशान, मैं बता रहा हूँ मिड वर्ल्ड कप में अभी वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ और ये चीजें आना शुरू हो गई, भाई खेलने दो, अब आपने भेज दिया ना खेलने दो, ये दो सफर वाली एग्जांपल थी आपकी, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कोई गाड़ी चला के रिश्तेदार अगर आपकी तरफ आ रहा होता है आप उसको कोई ऐसी न्यूज दे दें तो परेशानी से गाड़ी तेज चला के आता बंदा कहता है कितने गड्डी मार देगा, तो ये भी बाबर के साथ और प्लेयरों के साथ ऐसे ही हुआ है, प्रेस रिलीज ने प्रेस रिलीज करके ये दिखा दिया कि भाई शमशेर मार तो हमारी गड्डी तो बची हुई ऑलरेडी है, वो बाबर बेचारा गाड़ी का बचा है कहां कहां मारेगा, मजीद ना करे ना, ये बहुत एक देखो अगर किसी बंदे ने क्रिकेटर ने दी हो ना स्टेटमेंट समझ आती है, या प्रोफेशनलिज्म, आप प्रोफेशनलिज्म की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसने स्टेटमेंट दिया वो भी मिड टूर्नामेंट में, ये बहुत जिसकी बातें प्लेयरों के दिमाग पे असर करती हैं, बहुत अच्छा वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसने बाबर आजम से पूछा कि आपको सवाल हुआ पोस्ट मैच में अफगानिस्तान के बाद बाबर आजम से कि आपको हटाने की कैंपेन सोशल मीडिया पे चल रही है, तो बाबर ने बड़ा कैजुअली कहा कि अच्छा मुझे नहीं पता मैं तो देखता भी नहीं हूँ सोशल मीडिया, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानता हूँ कि बाबर भी देखता होगा, बाबर के पास नहीं होगी फोन में इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर, लेकिन बाबर के भाइयों के पास होगी, बाबर के दोस्तों के पास होगी, वो बाबर को हो ही नहीं सकता ना बताते, और बाबर के अपने वालिद साहब से बहुत अच्छा रिश्ता होता है, तो आई एम श्योर कि उन्होंने ये बात बता दी होगी उनको कि कैप्टनसी का सीन हो रहा है, प्लेयर्स यूज करें ना करें वो एक अलग चीज है, प्लेयर्स को पता चल जाता है, आपके सर्कल में आपके इर्द गिर्द में आपके मुल्क में एक बात हो रही है, हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा आजकल हो ही क्या रहा है, एक क्रिकेट एक पॉलिटिक्स जो कि हमेशा, जब आपको अपनी मर्जी की टीम मिल गई है ना तो ऑब्वियसली बात है, मैं अपने पर्सनली कहूँगा दोस्ती की जो दोस्ती यारी की टीम थी ठीक है वो अब ग्रुप बंदी में हो गई है क्योंकि दोस्तों ने शायद धोखा दे दिया, अच्छा शाहिद अफरीदी के भाई ने, शाना अफरीदी शायद इनके भाई हैं, शाना अफरीदी ने ब्लू टिक वाला अकाउंट है, उन्होंने कल पोस्ट लगाई है, उन्होंने कहा यूनिटी है, भाईचारा है, मोहब्बत है, प्यार है, अमन है, इन दोनों में जो है एक मिसाली दोस्ती है, बाबर आजम की कप्तानी में शाहीन ने हमेशा परफॉर्म किया, तो ऐसी किसी बात पे आपने यकीन नहीं करना, आई थिंक वो भी ये मैसेज दे रहे थे कि दोनों में कोई मस्ता नहीं है, लेकिन बैक एंड करते हैं, बैक एंड देखो शाहीन अफरीदी डायरेक्टली